हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये जो वीडियो है ये है डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर आप कैसे डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, आज के इस वीडियो में यही देखने वाले हैं। तो सबसे पहले एक्सेस को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट बटन पे जाके एक क्लिक करता हूँ और यहाँ टाइप करता हूँ एक्सेस। तो देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस मेरे पास दोनों है, 2007 भी है, 2021 भी है। 2021 ओपन कर लेता हूँ, ज्यादा कन्वीनियंट है, ठीक है। वैसे आप 2007 में भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन 2021 ओपन किया और यहाँ ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करना है। जैसे ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक नया सिनेरियो आएगा। अब यहाँ पर ये डेटाबेस का नाम आ रहा है, आप चाहे तो इस नेम को चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐसा सिनेरियो आएगा। अब आपको यहाँ पर व्यू दिखाई पड़ेगा और यहाँ पर आपको टेबल फील्ड मिल जाएगा। तो टेबल फील्ड के व्यू के अंदर ये जो एरो बनी हुई है, इस एरो पर आपको क्लिक करना है और यहां से आपको डिजाइन व्यू पे आना है। तो जैसे डिजाइन व्यू पे आएंगे तो पूछेगा टेबल का नाम, ठीक है। तो यहां पर आप चाहे तो बाय डिफॉल्ट रख सकते हैं, जैसा कि यहां पर दिया हुआ है टेबल वन, लेकिन हम क्या करेंगे यहां पर इसका नेम चेंज करेंगे और लिखेंगे डेटा एंट्री। क्या लिखेंगे? डेटा एंट्री। तो जैसे कि मैंने लिख दिया है डेटा एंट्री, वैसे ही आपको भी लिख देना है और ओके कर देना है। और यहां पर आपको प्राइमरी की है ये। अब ये प्राइमरी की है, इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू हमेशा यूनिक कंटेन करेगी, ठीक है। तो यहां पर आईडी ही रहने देते हैं और यहां पर क्या करता हूं, टाइप कर देता हूं नेम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। क्या टाइप कर दूंगा? नेम ऑफ प्रोडक्ट, जैसा कि मैंने टाइप किया बिल्कुल वैसे ही आपको भी टाइप कर देना है। और यहां पर अगर 2007 यूज करेंगे आप तो शायद आपको टेक्स्ट ही मिलेगा, शॉर्ट टेक्स्ट या लॉन्ग टेक्स्ट वाली बात नहीं आएगी। तो यहां पर फिलहाल मैंने शॉर्ट टेक्स्ट रख दिया है। अगर आप 2007 यूज करते होंगे तो ऐसे में आपको क्या रखना है, केवल टेक्स्ट रख देना है। इसके बाद बात करते हैं प्राइस की। तो यहां पर प्राइस लिख दिया हमने, तो ये हो गया प्राइस। अब प्राइस जो है करेंसी डेटा टाइप होगा, तो यहां से करेंसी कर लीजिएगा। और फिर यहां पर क्वांटिटी की बात होगी, तो यहां पर क्वांटिटी भी हमने लिख दिया है और क्वांटिटी यहां पर हम नंबर में रखेंगे। और नीचे हो सकता है कि कोई चीज डेसिमल में एंटर करनी हो, इसीलिए डबल बना लेते हैं। यहां पर आपको डबल बना लेना है। फिर यहां पर अब टोटल प्राइस कैलकुलेट करनी है, तो यहां पे लिख देता हूं टोटल अंडरस्कोर लगा के PRICE प्राइस। तो ये हो गया टोटल प्राइस। और यहां पर क्या करना है आपको, कैलकुलेटेड डेटा टाइप का इस्तेमाल करना है। तो यहां पर आकर के और कैलकुलेटेड डेटा टाइप का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो एक्सप्रेशन बिल्डर ओपन हो जाता है। जब एक्सप्रेशन बिल्डर ओपन हो जाएगा तो आपको यहां पर प्राइस, यानी कि ये जो फील्ड हमने लिया है प्राइस, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हुए प्राइस को मल्टीप्लाई कर देना है किससे, यूनिट से, यानी क्वांटिटी से। तो यहां पर कर देते हैं क्वांटिटी, तो प्राइस मल्टीप्लाई बाई हो गया क्वांटिटी, ठीक है। और यहां से ओके कर दीजिएगा। तो ये एक काम हो गया है। और यहां पर अब टैक्स की बात कर लेते हैं, तो यहां पर टैक्स हम लगा देते हैं। तो जो भी टैक्स रखेंगे वो परसेंट में रखेंगे। तो यहां पर फिलहाल हमने कर दिया है नंबर डेटा टाइप और यहां पर इसे बना दिया है डबल, जैसा कि पहले वाले में किया था हमने। और ये जो फॉर्मेट है इसे बना लीजिएगा क्या, परसेंट। क्या बनाना है आपको? परसेंट बनाना है। तो जैसा मैंने किया है बिल्कुल वैसे ही कर लीजिएगा आप भी। और यहां पर अब टैक्स अमाउंट भी कैलकुलेट होता हुआ नजर आएगा आपको। तो यहां पर टैक्स अमाउंट कर देते हैं AMOUNT। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। और फिर यहां पर अब टैक्स अमाउंट कैलकुलेट होने के लिए कैलकुलेटेड डेटा टाइप का इस्तेमाल करना होगा। तो यहां पर कैलकुलेटेड डेटा टाइप का इस्तेमाल किया है, तो टोटल प्राइस के ही अंदर हमारा टैक्स अमाउंट छिपा होगा। तो यहां पर क्या करना है, टोटल TOTAL टोटल अंडरस्कोर PRICE प्राइस, ये लिख देना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है और मल्टीप्लाई बाई टैक्स कर देना है, मल्टीप्लाई बाई टैक्स TAX, ठीक है। और ये करके ओके कर दीजिएगा यहां से ओके, ठीक है। और ओके जैसे ही कर देंगे तो आप देखेंगे यहां पर व्यू पे क्लिक करने के बाद कि यहां पर सारी चीजें कैलकुलेट होती हुई नजर आएंगी। अब जैसे नेम ऑफ प्रोडक्ट है तो आप यहां पर कोई भी प्रोडक्ट का नेम डालिए। जैसे मान लीजिए हम यहां पर डाल देते हैं मस्टर्ड, MUSTERED कर देते हैं, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। और यहां पर ये मस्टर्ड ऑयल की कीमत यहां पर आएगी, तो यहां पर 140 रुपए लीटर कर देते हैं, 145, ठीक है। और यहां पर मान लीजिए 6 लीटर की बात थी, तो यहां पर देखिए टोटल प्राइस अपने आप कैलकुलेट हो रहा है, लेकिन टैक्स का क्या है और टैक्स अमाउंट का क्या है ये तो नहीं आ रहा है। तो अभी टैक्स यहां डालेंगे तब तो आएगा। तो मान लीजिए यहां पे टैक्स लगा 5% इस पे, तो 5 लिखा हमने, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि टैक्स अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके ये दे रहा है, देख रहे हैं। अगर फिर यहां पर आते हैं और यहां पर टाइप करते हैं रिफाइंड
ऑयल OIL, तो यहां पर रिफाइंड ऑयल की प्राइस आपको डालनी है, ठीक है। तो रिफाइंड ऑयल की प्राइस है 160 रुपए, और यहां पर जैसे ही आते हैं तो 5 रिफाइंड ऑयल की बात हो रही है, और यहां पर टैक्स कितना लग रहा है तो इस पे भी 5% है, लेकिन दिखाने के लिए मैं यहां पे चेंज करता हूं, 10 कर देता हूं, 10% किया हमने तो यहां पे 80 रुपए आ रहा है, ठीक है, देख सकते हैं ना। इसके बाद बात करें अगले की, तो यहां पर अगला जो है प्रोडक्ट हम एंटर करने जा रहे हैं, जैसे यहां पे कर देते हैं रेड चिली लाल मिर्च, ठीक है, तो रेड चिली कर देते हैं, और यहां पर जो है इसकी प्राइस डाल देते हैं, तो एक पैकेट जो आएगा, ये एक पैकेट की बात हो रही है, तो एक पैकेट आएगा 80 रुपए का, तो यहां पर मान लीजिए कि 7 पैकेट की बात करें तो यहां पर देख सकते हैं टोटल प्राइस आ गया है, और इस पर भी टैक्स दिखाने के लिए मैं 12% कर देता हूं, तो ये 12 के हिसाब से कैलकुलेट करेगा, तो देख सकते हैं कितना बेहतरीन है ये। लेकिन अब इसको हमें लुक देना है सॉफ्टवेयर का, तो करेंगे क्या, सबसे पहले क्रिएट पे जाएंगे, और यहां पर आपको फॉर्म डिजाइन मिल जाता है, तो आप फॉर्म डिजाइन पे जा सकते हैं, ठीक है। क्या करना है, यहां से फॉर्म डिजाइन पे जाना है, और फॉर्म डिजाइन पे आएंगे तो ये कुछ इस तरीके का मिलेगा, हम यहां पर एक लेबल बनाएंगे, तो ये देखिए ये जो है टेक्स्ट बॉक्स है, और ये क्या है, ये है लेबल, तो इस लेबल पे क्लिक करके यहां पर ड्रैग करवाइएगा अपने माउस को इस तरीके से, ठीक है, तो यहां पर ये इस तरीके से आ जाएगा, और अब यहां पर हम अपने शॉप का नाम लिख लेते हैं, ठीक है, तो यहां शॉप का नाम है हमारे जनरल स्टोर, क्या नाम है, जनरल स्टोर, ये मान लीजिए नाम है, ठीक है, तो ये शॉप का नाम हमने लिख दिया, लेकिन ये जो नाम है ना ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, और इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर होम टैब पे आके, और यहां से ये ध्यान दीजिएगा ये जो लेबल है इसको यहां से आकर के, और इसको पहले बोल्ड बनाएंगे, और बोल्ड बना करके इसका कलर भी चाहे तो बदल सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम साइज बदलने वाले हैं, तो यहां पे इसकी साइज बड़ा कर देंगे, तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और आप देख सकते हैं आप कि ये काफी बड़े में अच्छा दिख रहा है, और इसका कलर भी बाद में हम चेंज करेंगे, ठीक है, देख सकते हैं इस तरीके से ये जनरल स्टोर यहाँ आ गया है। आप चाहे तो इसकी साइज को और भी यहाँ से इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं, और इसको सेंटर अलाइन कर सकते हैं, सेंटर अलाइन करने के लिए इस पे क्लिक करना होगा, ये सेंटर में अलाइन हो जाएगा। इसके अंदर कलर फिल करने के लिए हम यहाँ से जा सकते हैं, ये जो है ना यहाँ से जाकर के आप चाहे तो कोई कलर इसमें भी फिल कर सकते हैं, तो जैसे देखिए यहाँ पर एक कलर हमने फिल किया है, और एक काम करते हैं इसी को कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करके यहां से पेस्ट करेंगे, पेस्ट करेंगे तो ये एक और इस तरीके से बन जाएगा, तो हमें क्या करना है एक को नीचे लेके आना है इस तरीके से, क्योंकि दुकान का पता एड्रेस वगैरह सारी चीजें यहां पर आएंगी, तो यहां पर वो चीजें आपको लगानी होंगी, ठीक है, तो यहां पर इसको रख करके और थोड़ा सा इसको छोटा बनाइएगा, यानी कि यहां से इसको पतला कर लीजिएगा, इतना ज्यादा ये वो नहीं रहेगा, और यहां पर इसको REESS, देखिए ये एड्रेस काफी बड़ा हो रहा है, तो इसको इस तरीके से सेलेक्ट करिएगा, और सेलेक्ट करके यहां से इसकी साइज छोटी करिएगा, ठीक है, ये एड्रेस काफी छोटे में रहेगा, तो ये इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है, और यहां से इसको भी छोटा थोड़ा सा कर लेंगे हम ऐसे करके, ठीक है, और फिर इसके लेवल में कर लेंगे, तो यहां से आकर के इस तरीके से इसके लेवल में कर लेते हैं, और यहां से इसको भी लेवल कर लेते हैं, और लेवल करने के बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, और ड्रैग करने के बाद यहां पर जो है कुछ इस तरीके से करेंगे, ये देख सकते हैं आप, ये मिडिल में नहीं दिख रहा है हमें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे अरेंज पे जाएंगे, और यहां से आप इसको अरेंज कर सकते हैं, तो ये यहां पर एड्रेस डाल देते हैं, तो यहां पे हम कर देते हैं न्यू कॉलोनी देवरिया, और यहां पे कर देते हैं उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश ये कर दिया हमने, और ये करने के बाद आपको क्या करना है, ये करने के बाद इसको साइड में लेके आएंगे, यानी इसका जो अलाइनमेंट होगा वो इस साइड होगा, देखिए यहां पे इस साइड, ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गया है, देख सकते हैं, और यहां पे पिन कोड भी डाल देते हैं 274001, ठीक है, तो ये पिन कोड भी डाल दिया है, और इस तरीके से ये हो गया है, देख सकते हैं बहुत ईजी है, इजिली हो भी जाएगा ये, एक बार प्रयास आपको करना है, एक बार प्रयास करेंगे तो जरूर हो जाएगा ये, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। इसका भी कलर हम चेंज कर देते हैं यहां से जा करके, तो ये किसी भी कलर में आप रख सकते हैं, तो यहां पर ये व्हाइट कर दिया, या कोई भी कलर आप ले सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि व्हाइट ही लेंगे, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपका, ये जो बिल है बिलिंग सॉफ्टवेयर है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहां से व्यू पे क्लिक करना है, और व्यू पे क्लिक करके वापस आ जाना है डिजाइन व्यू पर, तो यहीं पर हम थे पहले भी,
तो यहां पर डिजाइन व्यू पे आना है और अब आपको क्या करना है, यहां से आपको जाना है फॉर्म डिजाइन पर। तो यहां पर आपको एड एग्जिस्टिंग फील्ड मिलेगा, इस पर डबल क्लिक करिएगा और यहां पर डाटा एंट्री जो आ रहा है इसको डबल क्लिक करके ओके कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये जब कर लेंगे तो यहां से थोड़ा सा इसे छोटा भी कर लेते हैं, तो ये जो है इस तरीके से आएगा। और अब यहां पर नेम ऑफ प्रोडक्ट को लेके आइए आप, ठीक है। ये आया नेम ऑफ प्रोडक्ट, ये आया प्राइस, ठीक है। यहां पर थोड़ी सी सेटिंग करने में आपको दिक्कत होगी, लेकिन मैं बता देता हूं कैसे कैसे सेटिंग करना है, बहुत ही आसानी के साथ आप सेटिंग कर पाएंगे। और इसको ड्रैग करके यहां लाइए, फिर टोटल प्राइस हो गया, टैक्स लेके आते हैं और टैक्स के बाद ये बचेगा आपका टैक्स अमाउंट, तो ये टैक्स अमाउंट भी लेके आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इस तरीके से, और यहां पर इसे ड्रैग करवा लेंगे। और अब जरूरत पड़ेगी तो यहां पर आप देख सकते हैं ये फॉर्म डिजाइन के अंदर जब हम आते हैं तो यहाँ डेट एंड टाइम मिलता है, और इसमें कोई भी डेट एंड टाइम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम डेट ये वाला सेलेक्ट करते हैं, पहला वाला ही, और यहाँ पे ओके करते हैं तो यहाँ पर डेट एंड टाइम दोनों आ गया है, देख सकते हैं ये डेट एंड टाइम दोनों आ रहा है। इसको नीचे लेके आएंगे और यहाँ सेट कर देंगे, यहाँ पर आप इसे सेट कर दीजिएगा, तो ये टाइम हो गया और ये डेट हो गया। तो डेट को इधर सेट कर देते हैं, टाइम को इधर सेट कर देते हैं, दोनों को अगल बगल में हम सेट कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, देख सकते हैं। और अब जब आप इसे देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा, ये देख सकते हैं यहाँ पे डेट और टाइम आ रहा है। इसको थोड़ा सा और साइड में करना है ताकि ये और प्रॉपर दिखे हमें, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए वापस इसे डिजाइन व्यू पे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो डिजाइन व्यू पे ले लेते हैं वापस से, यहां से जाएंगे डिजाइन व्यू पे, इसे लेंगे और डिजाइन व्यू पे लेकर के इसको पहले ऊपर कर देंगे, ये हेडर की अभी आवश्यकता नहीं है हमें। और यहां से चाहे तो आप इसे ड्रैग कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, और ड्रैग करके इस पर क्लिक कीजिएगा और क्लिक करके और यहां से थोड़ा छोटा करिएगा इसे, ठीक है। और इसको भी यहां से हम क्या करेंगे, इस तरीके से क्लिक करके और यहां पर आकर के इसको भी थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करते हैं ताकि ये प्रॉपर शेप में आ जाए। और अब अगर जाते हैं तो अब देखिए, अब ये बिल्कुल प्रॉपर वे में आ गया है और आपका बिलिंग सॉफ्टवेयर अब बनने लगा है, ठीक है। तो यहां पर ये कुछ इस तरीके से आएगा। अब हमको क्या क्या सेटिंग करनी है, कैसे कैसे करनी है उसको समझ लीजिए। ये सारे ही जो नीचे हमने लेके आए हैं इन सबको एक साथ सेलेक्ट करना है, ठीक है, से अलाइन कर देते हैं इसको। तो ये अरेंज के अंदर जा करके आपको अलाइन कर देना है इसे लेफ्ट में, ठीक है। और बाकी इनको सेलेक्ट करके इनको भी हम बराबर करेंगे तो अलाइन पे जा करके इसे राइट में अलाइन कर देना है। तो ये कुछ इस तरीके से आने लगेगा। अब ये दोनों थोड़ा सा बराबर होता हुआ नजर आपको आने लगेगा, ठीक है। अब इसको सेंटर में इस तरीके से लेके आ जाएंगे। ये नेम ऑफ प्रोडक्ट में और प्राइस दोनों के बीच में थोड़ा सा गैपिंग है, और हर एक के बीच में जो गैपिंग आ रहा है उसको कम करने के लिए यहाँ पे साइज स्पेस दिया गया, ठीक है। और यहां पर आकर के यहाँ पे देखिए अलग अलग चीजें दी गई हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये इक्वल करना है कि इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, तो हमें डिक्रीज करना है तो डिक्रीज वर्टिकल करेंगे तो ये स्पेस रिड्यूस हो जाएगा, देख सकते हैं स्पेस रिड्यूस हो गया। और अब जबकि आप यहां से होम पे जाएंगे और व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा। देखिए बिल्कुल ही सही शेप में ये आता चला जा रहा है, देख सकते हैं, ठीक है। यानी ये जो राइट साइड में हमने राइट किया था इसको भी हम चेंज करेंगे, यानी अरेंज पे जाके यहां से अलाइन पे जाना है और लेफ्ट कर देना है इसको भी, ठीक है। तो ये भी लेफ्ट हो गया, ये भी लेफ्ट हो गया, और यहाँ पे डेट भी अरेंज कर दिया, टाइम भी अरेंज कर दिया, देख सकते हैं। और यहां से अब होम टैब पे जाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, ये एकदम बराबर शेप में आता हुआ दिखाई पड़ने लगेगा, ठीक है। पर आकर के साइज स्पेसेस में और इसको थोड़ा सा और डिक्रीज करेंगे, स्पेस अभी ज्यादा है हमारे पास तो इसको और डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज वर्टिकल कर देंगे। अब देखिए ये कैसा दिखाई पड़ेगा, होम पे जाके व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, ये देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ने लगा है। और भी चाहे तो इसमें साइज को डिक्रीज आप कर सकते हैं, ठीक है। वैसे यहां से जाकर के अगर डिक्रीज करना होगा तो वही डिक्रीज वर्टिकल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा और अब ये ठीक दिख रहा है। यहां पर अब आएंगे तो देखिए ये एकदम प्रॉपर शेप में आ गया है, जितना चाहे उतना डिक्रीज कर सकते हैं। फिलहाल हमारा प्रॉपर शेप में है तो हम इतना ही रहने देने वाले हैं, ठीक है। होम टैब पर और डिजाइन व्यू पर, तो ये डिजाइन व्यू पे ले लिया है और अब वापिस फॉर्म डिजाइन पे आइएगा। और ये देखिए ये क्या है, ये यहां पर बहुत सारे ऑप्शन ग्रुप आपको मिलेंगे, ये बटन है आपका। यहां पर हमें एक रेक्टेंगल बॉक्स लेना है, क्या लेना है, रेक्टेंगल बॉक्स। तो यहां से जाकर के और देखिए इसमें आपको रेक्टेंगल बॉक्स मिलेगा, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल ये है और इस पे जाकर के और यहां से आना है और बिल्कुल इसी के शेप में इसे यहां पर लगा देना है, अरेंज कर देना है ऐसे, ठीक है।
तो यहां पर देखिए मैं कैसे अरेंज कर रहा हूं, ये देख लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही आपको भी अरेंज कर देना है जैसे मैंने किया है, ठीक है। यहां से साइज देख लीजिएगा, घटा बढ़ा के बिल्कुल एकदम प्रॉपर शेप में आना चाहिए, ठीक है। और अब व्यू पे जाइएगा तो ये इस तरीके से दिखेगा, ये देखिए ये आपका सॉफ्टवेयर बनता हुआ सा नजर आ रहा है। हम क्या करते हैं, ऊपर वाले पे भी ये लगा देते हैं, यानी इस पे भी हम ये लगा देते हैं, यही सेम रेक्टेंगल अप्लाई कर देते हैं। तो यहां से वापस चलते हैं और ये रेक्टेंगल वापस उठाते हैं और इस पे भी अप्लाई कर देते हैं ताकि ये भी एक प्रॉपर शेप में हमें दिखना शुरू हो जाए, शेप में आ गया है। और अब इस पर आप बटन्स वगैरह भी लगा सकते हैं चाहे तो, ठीक है। फिलहाल मैं एक काम करने वाला हूं, यहां पर आकर के इन सबको सेलेक्ट करके, ये देखिए इन सबको एक साथ सेलेक्ट करके इसका मैं कलर चेंज करने वाला हूं। यहां से कलर हम चेंज करेंगे, यानी इसका कलर हम व्हाइट कर देंगे। कौन सा कलर करेंगे, व्हाइट कलर। अब जब ये व्हाइट कलर में हो जाएगा तो देखिएगा नहीं, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसका कलर वापस फिर चल करके, यानी बैकग्राउंड का कलर हम बना देंगे क्या, यहां पर बैकग्राउंड का कलर ये वाला बना देंगे तो ये यहां पर दिखने लगेगा। आप ब्लैक भी कर सकते हैं, यहाँ बैकग्राउंड का कलर अगर आप ब्लैक कर देंगे तो भी ये दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन डेट गायब हो जाएगी तो डेट का भी कलर हमें चेंज करना होगा। डेट और टाइम जो ये लिया है, इन दोनों का भी कलर हम चेंज नहीं करेंगे तब तक ये होगा नहीं, ठीक है। तो यहां पर ये ध्यान रखिएगा, यहां पर क्लिक करिएगा इस तरीके से, ठीक है। और दोनों पे क्लिक करके क्या करना है आपको, दोनों पे क्लिक करके होम टैब पे जाके और यहां से इसे व्हाइट बना लेना है। तो ये व्हाइट बना लिया और व्हाइट बना लेने के बाद व्यू पे क्लिक करिएगा तो ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा, देख सकते हैं ना, बेहतरीन सॉफ्टवेयर बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अब देखिए अब करना क्या, यहाँ पे टाइम भी आपको शो होगा तो जो करंट टाइम होगा वही प्रिंट हो जाएगा। जब आप प्रिंट करेंगे तो करंट टाइम ही प्रिंट होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ देखिए प्रिंट किया है तो प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखा देता हूं, तो देखिए करंट टाइम भी प्रिंट होता हुआ नजर आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है।